खबर दिल्ली से। दिल्ली में देर शाम पुराने नोटों की बड़ी खेप बरामद हुई है। डीआरआई ने दिल्ली के झंडेवालान मेट्रो स्टेशन के नजदीक से लगभग 16 करोड़ यानी कि पुरानी करेंसी 16 करोड़ की लगभग जब्त की है। जब्त किए गए नोटों में 500 और 1000 के पुराने नोट हैं। फिलहाल 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज होकर मामले की जांच शुरू हो गई है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि इतने सारे पुराने नोट कहां से आए और किसके हैं। आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद से ही काले धन पर लगाम लगाने के लिए जगह जगह छापेमारी हो रही है।